हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और ये जो वीडियो है ये बैकलिंक के ऊपर है, और क्लासिफाइड बैकलिंक साइट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जहां से आपको क्वालिटी बैकलिंक तो मिलेगा ही, डू फॉलो बैकलिंक। इसके साथ साथ आप यहां से ट्रैफिक भी ले सकते हैं। सबसे पहले आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये किसी ने यहां पर एक ऐड को पोस्ट किया है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि क्लासिफाइड साइट के ऊपर हम लोग फ्री में एड्स को पोस्ट कर सकते हैं, किसी टारगेटेड लोकेशन पर किसी कैटेगरी की एड को। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एड किसी ने यहाँ पर पोस्ट की है, एंड देन स्क्रोल डाउन करेंगे तो उसने एक वीडियो को इम्बेड किया है। और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये वाला लिंक है, यहाँ पे देख सकते हो विजिट वेबसाइट। और ये जो लिंक है ये डू फॉलो लिंक है। आप इस तरीके से बैकलिंक यहां से क्रिएट कर सकते हैं अपनी ऐड को पोस्ट करके। अब एड्स पोस्ट करने के, जैसे मैंने कहा, तो आपको कई सारे डाउट आपके मन में आए होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने किसी भी आर्टिकल को आप पोस्ट कर सकते हैं। बैकलिंक के लिए हमने इस साइट का यूज करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और मैं आपको प्रैक्टिकली तो बताने ही वाला हूं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर आप बैकलिंक से रिलेटेड या फिर साइट ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको एक्सप्लोर करें, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। इसी प्रकार की वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि आपको भविष्य में ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। कोई डाउट है, कुछ अलग प्रकार की बैकलिंक चाहिए, प्रोफाइल बैकलिंक या कुछ भी एनीथिंग एल्स, तो आप कमेंट किया करें, तो मैं उस पर रिसर्च करता हूं, आपके लिए वैसे ही वीडियो फाइंड करने की कोशिश करता हूं। अभी ये जो हम क्लासिफाइड की बात कर रहे हैं, ये भी मुझे किसी ने कमेंट किया था 2-3 बार, तो इसलिए हम क्लासिफाइड साइट की ये सीरीज जो है शुरू कर रहे हैं। यहां पर क्लासिफाइड बैकलिंक पर मैं आपको वीडियो देने वाला हूं, हम काफी सारी वीडियो इस पे करने वाले हैं। हाँ, बीच बीच में और भी साइट्स के बैकलिंक आएंगे, और इसके अलावा ट्रैफिक सोर्सेज भी आएंगे, और आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूं कि कंप्लीट सीरीज लेके आए वेब स्टोरी को लेकर के, क्योंकि वेब स्टोरी का अभी काफी ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, बिगिनर्स इसके बारे में सीखना चाहते हैं, है ना। तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, अपने उस पर भी वीडियो ले आएंगे। फिलहाल हम चलते हैं आज की साइट पर। तो आज की जो साइट हमारी रहने वाली है, इस वेबसाइट का नाम है classtiles.com। देख लीजिएगा classtiles.com, क्योंकि मैं कहीं पर भी कोई लिंक नहीं देता हूँ डिस्क्रिप्शन वगैरह में। तो ये नाम आप देखिएगा और URL देख लीजिएगा, और सर्च करना है आपको ब्राउजर में जाकर के, आपको ये साइट मिल जाएगी। और ये एक क्लासिफाइड साइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे आओगे आप तो सब कैटेगरी की एड्स आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो, जैसे कि सर्विसेज, अगर आप कुछ सर्विस सेल करना चाहते हैं तो उसकी एड आप यहां पर दे सकते हो। ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स, पेट एंड केयर्स, इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट, कम्युनिटी, फॉर सेल, कुछ बेचना चाहते हो, कुछ खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर आके चेकआउट कर सकते हो। जॉब्स है ना, काफी कुछ, लगभग सभी प्रकार की कैटेगरी यहाँ पर होती है, तो डेफिनेटली आपका ब्लॉग या साइट इनमें से किसी ना किसी कैटेगरी से मैच करेगा, तो आप लोग उस कैटेगरी में अपनी एड को पोस्ट कर सकते हो बैकलिंक के लिए। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, काफी अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर, मैंने जो आपको ओपन करके दिखाई थी जो एड, वो एंटरटेनमेंट की है, तो अगर अपने एंटरटेनमेंट एंड इवेंट्स पे क्लिक करते हैं तो देखिए कितनी सारी एड्स यहाँ पर ओपन होंगी, जो सब लोगों ने ही पोस्ट की हुई है, वन डे एगो, 3 डेज एगो, तो सबके अंदर लिंक लगे होते हैं, आप इसी प्रकार से पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, यहाँ पर आपको अकाउंट भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है ऐड को पोस्ट करने के लिए। हालांकि अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो बढ़िया है, माय अकाउंट पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, बट मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ बिना अकाउंट क्रिएट करे कैसे आप यहाँ से बैकलिंक ले सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली ये जो बड़ा सा ऑप्शन है ना, पोस्ट फ्री एड, इस पे आपको क्लिक कर देना है, और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चूज करना है, कंट्री। ओके, थोड़ा स्क्रोल डाउन करना आपने, और यहाँ से कंट्री आपको चूज करनी है, तो हम यहाँ से इंडिया चूज करेंगे। उसके बाद एक लोकेशन आपको यहाँ पर चूज करनी होगी, जैसे कि हम यहाँ से आंध्र प्रदेश दे देते हैं। उसके बाद सिटी हैदराबाद। ओके, देन कैटेगरी। तो अब ये कैटेगरी जो है ना, ये आपको चूज करनी है, आपका जो ब्लॉग है, आपका जो आर्टिकल है जिसके लिए आप बैकलिंक बनाना चाहते हो उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो आपका होने वाला है इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मैं सिलेक्ट करूंगा। और उसके बाद यहाँ पर सब कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट और काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पर रिलेवेंट चूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑफरिंग पर आप टिक करें, बेस्ट है, ऑफरिंग पे आपको रखना है। अब यहाँ पर आपको पूरा काम करना है, लिस्टिंग टाइटल और लिस्टिंग डिटेल। अब टाइटल में आप क्या लिखोगे, जो आपका आर्टिकल है उसकी आप हेडिंग लिख सकते हो, जैसे कि मैंने एक साइट को ओपन कर रखा है और उस पर इस आर्टिकल पर मैं बैकलिंक बनाना चाहता हूं, तो इसका टाइटल मैंने यहां से कॉपी किया। उसके बाद वापस जाएंगे और इसको टाइटल में यहां पर पेस्ट कर देंगे। इसी प्रकार से इसका कुछ डिस्क्रिप्शन हम यहां से कॉपी करेंगे, जरूरी नहीं है कि आप सारा करो। उसके बाद वापस आओगे यहां पर और अपना पूरा डिस्क्रिप्शन जो है, ये जो लिस्टिंग डिटेल है, इसके अंदर आपको पेस्ट कर देना। ठीक है, यहां पर लिंक आपको नहीं लगाना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद इस आर्टिकल का लिंक मैं यहां से कॉपी करूंगा, यहां पर अपने इस आर्टिकल का लिंक को कॉपी कर लेंगे, वापस जाएंगे और नीचे आना है आपने। यहां पर लिस्टिंग प्राइसेस को खाली रहने दें क्योंकि हम कुछ सेल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नीचे आना है, कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हो, ये कॉन्टैक्ट ईमेल वगैरह देना चाहते हो दे सकते हो अगर आप कुछ सेल कर रहे हो। इसके अलावा
हम लोग तो सिर्फ बैकलिंक के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये जो वेबसाइट का सेक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपली यहाँ पर अपना जो लिंक है आपके आर्टिकल का उसे पेस्ट कर देना आपने। नीचे आना है, आप इमेज भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो पिक्चर से जाकर के यहाँ से। तो यहाँ पर मैंने एक इमेज को सिलेक्ट कर लिया है और वो अपलोड हो रही है। आप इमेज अपलोड करोगे तो ज्यादा अच्छी एंगेजमेंट रहती है। ट्रैफिक के बारे में तो ठीक है, इमेज अपलोड करोगे तो कुछ ट्रैफिक भी यहाँ से मिल सकता है, हालांकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक इस साइट का नहीं है, लेकिन क्लासिफाइड साइट्स का ट्रैफिक बहुत होता है। मैंने ऐसी भी साइट्स देखी है जिनका ट्रैफिक मिलियंस में है, सैकड़ों मिलियंस का ट्रैफिक इन साइट्स पे होता है, काफी बड़ी बड़ी साइट्स हैं। आने वाले समय में आपके साथ मैं शेयर करता रहूंगा उनके बारे में, तो इसलिए चैनल के साथ बने रहें। उसके बाद नीचे आना, अगर आपको YouTube वीडियो का लिंक देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो। अभी तक हमारी इमेज जो है वो अपलोड नहीं हुई है, क्योंकि जो इमेज मैंने चूज की है वो काफी बड़ी इमेज है। चलिए यहाँ से मैंने इमेज को चेंज कर दिया, क्योंकि जो मैं इमेज अपलोड कर रहा था वो WebP फॉर्मेट की है, तो WebP फॉर्मेट की इमेज यहाँ से अपलोड नहीं होगी, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया है, हालांकि ये रिलेवेंट नहीं है। देन सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है, ये फाइनल स्टेप है, और इस पर आपने टिक कर देना है और पोस्ट इट फ्री ये जो बटन है इस पर क्लिक करिए। बस कपल ऑफ सेकंड्स आपको यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थैंक यू फॉर यूजिंग क्लास टाइप, यू कैन नाउ पोस्ट अनदर लिस्टिंग और रिटर्न टू द होम पेज। ओके, वापस जा सकते हो, एक और एड पोस्ट कर सकते हो, अपने सभी आर्टिकल के लिए बैकलिंक बना सकते हो। जो हमने बैकलिंक यहाँ से बनाया है वो एड जो हमने पोस्ट की है वो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया है और देखते हैं हमारी एड कैसे शो होती है। हालांकि हमने इमेज जो है वो रिलेवेंट चूज नहीं किया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये साड़ीज का आर्टिकल है और इमेज हमने कुछ और ही यहाँ पे लगा दी है, बट स्टिल आपकी इमेज बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर शो होती है। देन स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये हमने जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो वाला डेटा है, एंड देन ये जो लिंक है ये हमारे आर्टिकल का लिंक है, ठीक है। इस पे जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली हमें हमारे आर्टिकल पर लेके जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर फ्री में इस प्रकार से एड्स को पोस्ट करते हुए यहाँ से अच्छी खासी बैकलिंक बिल्ड कर सकते हैं, क्वालिटी बैकलिंक है। एक चीज और, मैं आपको इसका DAPA चेक करवा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं classtype.com, इसका DAPA मैंने चेक किया था, ठीक ठाक है, 26 इसका DA है और 50 इसका PA है। रही बात स्पैम स्कोर की, तो ये 17 है जो कि काफी सेफ माना जाता है, लेकिन ये जो होता है ना स्पैम स्कोर, इसके बारे में मैंने एक वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि स्पैम स्कोर को गूगल जो है वो कंसीडर नहीं करता है, ये मोज का बनाया हुआ एक मापदंड है, तो आपको इसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी होती है, लेकिन फिर भी ये काफी लो स्पैम स्कोर है, तो आप इजिली यहाँ पर अपने लिए बैकलिंक बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी, और अगर आपका कोई डाउट हो, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है, तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं जल्द ही मिलता हूं एक इसी प्रकार के नए सोर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।